पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, छिपे हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। बस थोड़ी और मेहनत कीजिए, बस थोड़ी और मेहनत कीजिए, किस्मत बदलने में भी वक्त लगता है, किस्मत बदलने में भी वक्त लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी को इसी क्लास का इंतजार था कि कब आएगा कवि परिचय लेखक परिचय, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना, तुरंत याद कर लेना इनको। चार नंबर तो आपके पक्के हैं, अरे दोस्तों चार नंबर तो आपके पक्के हैं प्यारे मित्रों। देखिएगा मुझे लग रहा है कि जैसे कवि परिचय अलग से आएगा दो नंबर के अंदर, लेखक परिचय अलग से आएगा दो नंबर के अंदर, ठीक है, अतवे में मेरे हिसाब से नहीं आएगा, ये दो दो अलग अलग पूछे जाएंगे दो दो नंबर के अंदर। तो प्यारे मित्रों मैं आज थाने इंपोर्टेंट कवि और लेखक परिचय बताने वाला हूं, ये आपको याद करना है, इनमें से जरूर छप जाएगा एग्जाम में, ठीक है। और नहीं छपे तो फिर क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा, फिर भी चार नंबर पूरे आपके पक्के। कैसे, अभी मैं बात करने वाला हूं ऐसे। देखिएगा ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कौन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये तो है आपके सामने क्या कवि परिचय, और इधर मैंने लिख दिया लेखक परिचय, ये आप याद कर लेना बस। देखिएगा सबसे पहले मैंने लिया है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुवीर शाय और तुलसीदास, ये चारों मोस्ट कवि परिचय हैं, इनको तुरंत याद कर लिया जाए। कैमरामैन जल्दी फोकस करें इन चारों पर, फटाफट चारों याद कर लिया जाए, ठीक है। और इधर देखो लेखक परिचय, रामचंद्र शुक्ल जी और फणीश्वरनाथ रेणु, ये मोस्ट हैं। अब इन चारों में भी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, तुलसीदास का 100% चांस है, तो ठीक है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इधर बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 100% चांस है, ये पूछा जा सकता है। प्यारे मित्रों ये हैं आपके सामने चारों, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब जो इतना क्या भाई, मेरे रटने की कैपेसिटी ज्यादा है, मेरे समझने की कैपेसिटी ज्यादा है, मैं तो क्या करूं, एक एक ने याद कर लें, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की पूरी याद कर लें थोड़ी थोड़ी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पूरा याद कर लिया मैं, रघुवीर शाह याद कर लिया, और इधर देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट, रामचंद्र शुक्ल फणीश्वरनाथ रेणु। प्यारे मित्रों देखिएगा मैंने ये आपको बता दी, आपने याद कर लिए, अरे इनमें से नहीं आया तो फिर, अरे क्यों नहीं आएगा दोस्तों, 100% है इनमें से आएगा, लेकिन नहीं आया तो फिर कुछ नहीं, फिर भी आपके चार नंबर पक्के होंगे दोस्तों। कैसे, ऐसे देखिएगा मैं इनकी लेकर आया हूं आपके सामने फिक्स लाइन, पहले भी बता रखा मैंने, फिक्स लाइने हैं और अलग अलग आएगा, सेम टू सेम लाइन है, दोनों में लिखनी है आपको। मैं फिक्स लाइने बताऊंगा, इनमें भी लिखनी है वही की वही लाइने, और इनमें भी फिक्स लाइन है, इनको आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो एक तरफ रामचंद्र शुक्ल फणीश्वरनाथ रेणु है और ये, ठीक है। अब इनको आप दोनों के अंदर वही लाइन लिखने, अभी मैं बताऊंगा, देखो ये है आपके सामने प्रमुख फिक्स लाइन है, ठीक है। जैसे देखिएगा, जैसे मान लो तुलसीदास जी का आ गया, ठीक है, कि तुलसीदास जी का प्रमुख जो है साहित्य परिचय लिखिए, तो प्यारे मित्रों आपको क्या करना है, डायरेक्ट देखो ऊपर आपको लिखना है तुलसीदास का साहित्य परिचय, ऊपर कॉपी के ऊपर लिखेंगे तुलसीदास जी का साहित्य परिचय, फिर यहां पर लिखेंगे पहला पॉइंट में इधर भाव पक्ष में लिखेंगे खालिस्तान में लिखना है तुलसीदास जी का है, तो तुलसीदास जी को खालिस्तान में, कि तुलसीदास जी के काव्य में मधुरता एवं कोमलता का सुंदर समावेश हुआ है, तुलसीदास बचपन से ही अत्यंत कुशागर बुद्धि सौम्य शांत गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे, बस यहां पर, ठीक है, ये यहां तक आप याद कर लो। अब आप कहेंगे दो नंबर के अंदर आएंगे और इतने सारे लिखना होता, नहीं दोस्तों ये सब याद कर लो, और इनमें जो फिक्स मैं जो बता रहा हूं यहां तक आपको लिखना है, किसमें, भाव पक्ष में तुलसीदास जी के, फिर लिखना है कला पक्ष में, देखो ये है जैसा का जैसा कला पक्ष में लिखना है, और साहित्य में स्थान ये है जैसा का जैसा कला पक्ष में, देखो काव्य भावानुसार सरल है, इन्होंने अनेक साहित्यिक विधियों में भी उच्च कोटि की रचनाओं का यह सर्जन किया है, इनकी भाषा सरल एवं प्रभावपूर्ण भावानुकूल है, मर्मांतक पीड़ा भावनाओं के द्वंद्व को उभारने में तुलसीदास की भाषा अंतर्मन को छू लेती है, खालिस्तान में तुलसीदास जी करना है, ठीक है, कोई भी आया कवि जो भी है लेखक जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा खालिस्तान में। इस साहित्य में स्थान, तुलसीदास का हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान है, इन्होंने अपनी ये है जैसे कि जैसे आपको लिखना है दोस्तों, समझ गए, बाकी ये छोड़ देना बस, ये दो नंबर का पूछा जाएगा तो ये लाइन आपको काफी है, ठीक है। अब ये तो आपने लिख दिया किसका, जैसे लेखक कवि परिचय आ गया तो कवि परिचय में आपने ये लिख दिया, अब लेखक परिचय आ गया जैसे रामचंद्र शुक्ल जी हुआ, अभी और दे रखा ना आपके सामने रामचंद्र शुक्ल जी हुआ और ये फणीश्वरनाथ रेणु जी हुआ, तो फिर लेखक परिचय में भी क्या यही लिखेंगे कॉमन, हाँ दोस्तों यही आपको लिखनी है, जैसे लेखक परिचय रामचंद्र शुक्ल जी आ गया या फणीश्वरनाथ रेणु आ गया, तो यहां पर आ जाएगा रामचंद्र शुक्ल का साहित्य परिचय, फणीश्वरनाथ रेणु का साहित्य परिचय, जो भी होगा वो यहां पर आ जाएगा ऊपर, ठीक है। कल भाव पक्ष में आपको लिखना क्या है, भाव पक्ष में देखो जैसे रामचंद्र शुक्ल जी आ गया तो लिखना ये लाइनें छोड़ देनी, ये आपने कवि परिचय में लिख दी, आपने ये लाइनें कवि परिचय में लिख दी तो ये लाइनें छोड़ दो, यहां से स्टार्ट करना भाव पक्ष में, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। जैसे कौन है,
रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवनोपभोग के बीच उनका जो ज्ञान संपन्न व्यापक व्यक्तित्व उभरता है, वे बेजोड़ है, वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये आपको लिखना है किसमें, वा पक्ष में, ठीक है। और कला पक्ष में देखो, कला पक्ष में दोस्तों ये है जैसे कि जैसे आपको लिखना है, लेकिन इसमें थोड़ा आप दिमाग का यूज करें। पहला पॉइंट लगाओ, पॉइंट नंबर, इसमें पॉइंट स्टार्ट कर दो, पॉइंट नंबर। इसमें तो आपने डायरेक्ट लिख दिया इस तरीके से, अब इसमें आप दोनों आगे ना कवि लेखक परिचय, तो इसमें आप पॉइंट बाय पॉइंट स्टार्ट। काव्य भावानुसार सरल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन्होंने अनेक साहित्य विधियों में भी उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इनकी भाषा सरल प्रभावपूर्ण एवं भावानुकूल है। बस तीन पॉइंट आप लिख सकते हैं, बाकी और भी लिखना चाहो, चौथा पॉइंट ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। ये आपने लिख दिया कला पक्ष में, ठीक है। साहित्य में स्थान की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल या फणीश्वरनाथ रेणु का हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान है। इन्होंने अपनी रचनाएं हिंदी साहित्य को अमूल्य धरोहर के रूप में प्रदान की है। तो पहला पॉइंट यहां पर क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्होंने अपनी रचनाएं हिंदी साहित्य को अमूल्य धरोहर के रूप में प्रदान की है। तो ये बस लिखना है, मेरी बात समझ, नंबर आपको पूरे मिलेंगे प्यारे मित्रों, देख लेना आप, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। और बाकी आपको जन्म जो भी याद है, इनका जन्म जो भी रचनाएं याद है, तो रचनाएं भी आप इसमें लिख सकते हैं। वैसे तो आपको देखो, ये मैंने वीडियो बना रखा उसमें बताया आपको, ठीक है। चलो देखो, अभी कई ज्ञानी ऐसे भी हैं जो कहेंगे नहीं नहीं हम तो ये नहीं करेंगे, हम एक एक बट आप एक एक कर लेना बस, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद पूरी किताब में जो दे रखा उसको पूरा याद कर लो, पूरा पेज। सूर्यकांत त्रिपाठी पूरा पेज याद कर लो, रघुवीर साई का पूरा पेज याद कर लो, याद होता तो याद कर लो बस, मैं क्या है, ठीक है, याद होता। बाकी कह के मैं याद नहीं होता, तो ये मैंने जो फिक्स लाइनें बताई इनसे काम चल जाएगा। नंबर जो पूरे फिक्स जो आपके किताब में आएंगे दोस्तों, ठीक है, किताब के अंदर जो परिचय दे रहेगा उसको आप रटेंगे, उसको आप एग्जाम में लिखेंगे, तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और बाकी ये जो मैं बताई, ये प्रमुख जो आपके सामने ये है फिक्स लाइनें, ये लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। तो ये था अपना वीडियो दोस्तों कवि और लेखक परिचय पर, और आप चाहो तो इनके बारे में आप जरूर याद कर लेना। ये जो मैंने बताया ये मोस्ट हैं, और इनके जो है आप प्रमुख, इनकी रचना और इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं, जन्म कब हुआ, ये थोड़ा बस ये याद करना, बेसिक बातें याद हुए तो कर लेना, बाकी नहीं हो तो उसमें आप जो है पॉइंट बाय पॉइंट उसमें लिख सकते हैं, बाकी आ जाए तो फिक्स लेने के अंदर। चलो तो ये था अपना वीडियो दोस्तों, कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले जरूरी सूचना, बुलेट क्लास आने वाली थी आपके सामने दोस्तों 4 बजे, लेकिन दोस्तों वो बड़ी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज कोशिश करता हूँ, अगर आज हाँ टाइम मिल गया तो मैं आज ही लेके आ जाऊंगा, नहीं तो कल जरूर आ जाएगी वो बुलेट 3, ठीक है। चलो जय हिंद, जय भारत, ओके।